दोस्तों, अगर आप भी अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से पासपोर्ट के लिए कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहां इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे एक पॉपअप शो होगा, इसके बाद दोस्तों आप यहां से इसको कट कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप वहां से कट कर देंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहां पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे आएंगे और यहां पे आपको देखने को मिलेगा पासपोर्ट ऑफिस, आप यहां पे सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा, तो आपके नियरेस्ट में जो भी पासपोर्ट ऑफिस होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी आपका नियरेस्ट में पासपोर्ट ऑफिस होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे अपना नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे अपना सरनेम डाल दीजिएगा, यानी दोस्तों यहां पे आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है और यहां पे आपको लास्ट नेम डालना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप यहाँ कैलेंडर पर क्लिक करेंगे और कैलेंडर पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर आप अपना एक ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद तो आप यहां पे अगर इसी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो आप यहां पे यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहां यस पे क्लिक कर देंगे, यहां पे आपका लॉगिन आईडी जो भी यहां पे ईमेल आईडी होगा ये यहां पे आ जाएगा। इसके बाद तो आप यहां पे अपना पासवर्ड एक बना लेंगे और उस पासवर्ड को आप यहाँ कन्फर्म कर लेंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पर क्लिक करके एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उसका आंसर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद तो आपको ये जो डिस्प्ले पर कैप्चा शो हो रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे नाम होगा वही नाम आपको यहाँ पे डालना होगा और वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अपना ईमेल आईडी को चेक कीजिए, वहाँ पे आपके पास एक लिंक भेजा गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को चेक कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना ईमेल को ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे एक मैसेज आ चुका है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी वाला लिंक पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एक ब्राउजर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी ईमेल आईडी को ही रखे हैं तो आप अपना ईमेल आईडी डाल के सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहां पे देखते हैं, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद दोस्तों आप यहां क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप वहां लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डाल देंगे। यानी दोस्तों अगर आप अपना ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी को रखें तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ लॉगिन आईडी डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड बनाए होंगे वो पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। इसके बाद तो आप यहाँ नीचे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहां पे पासपोर्ट अपना ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो आप यहां पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप यहां सॉफ्ट कॉपीज डाउनलोड करके बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ऑफलाइन से बनेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन बनाना होगा तो पहले वाले पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्लिक हियर, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आप यहां पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप यहां पे क्लिक कीजिएगा और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते होंगे वो स्टेट आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तो आप यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी जिला के अंतर्गत आप आते होंगे वो जिला आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे पासपोर्ट टाइप आपसे पूछा गया है और दोस्तों आपको इतना स्टेप फॉलो करके आपको अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे पासपोर्ट टाइप सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है टाइप ऑफ अप्लीकेशन, तो दोस्तों आप यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपको तत्काल में चाहिए तो आप यहाँ तत्काल पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तत्काल का रेट कुछ अलग होता है तो आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद तो आपसे यहाँ पे बुकलेट टाइप पूछा गया है कि आपको कितना पेज में चाहिए, आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे 36 पेज मैं करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा।
नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम डाल लेंगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम इसमें डाल देंगे और लास्ट नेम आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद तो आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि मेल है या फिर फीमेल है। इसके बाद तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपका और भी नाम है। अगर दोस्तों आपका नाम और भी कोई होगा तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना आप दोस्तों यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप यहाँ पे कभी भी अपना नाम चेंज किए थे, अगर किए होंगे तो यस करेंगे, वरना आप यहाँ नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ इस कैलेंडर पे क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ था, अगर हुआ होगा तो यस करेंगे, वरना दोस्तों आप यहाँ नो पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद तो आपसे यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया है, तो आपका जन्म कहाँ पे हुआ है उसका नाम आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तो आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। अगर मैरिड होगा तो आप यहाँ मैरिड पे क्लिक करेंगे, अगर अनमैरिड होंगे तो आप यहाँ सिंगल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ बर्थ सिलेक्ट रहने देंगे, यानी तो आपका यहाँ पे पैदाइशी इंडिया में हुआ है। इसके बाद तो आप यहाँ पे अगर अपना पैन कार्ड नंबर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद तो आप यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद तो आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी दोस्तों आप काम क्या करते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या आपके फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस है, अगर दोस्तों है तो यस करेंगे, वरना दोस्तों आप यहाँ नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ तक भी आपका पढ़ाई हुआ होगा वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है ईसीआर कैटेगरी और नॉन ईसीआर कैटेगरी। अगर दोस्तों आप यहाँ पे 10th या फिर 10th से ज़्यादा पढ़ाई किए हैं तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे 10th से कम पढ़ाई किए हैं तो आप यहाँ नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपका बॉडी का पहचान, तो दोस्तों अगर आपके शरीर पे कोई भी मोल होगा तो दोस्तों उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे है वो लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद तो आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद तो आपसे यहाँ पे फैमिली डिटेल्स मांगा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे अपना फादर नेम डालेंगे, उनका फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप इसमें डाल देंगे और लास्ट नेम आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे अपना मदर नेम का फर्स्ट नेम डालेंगे और मिडिल नेम इसमें डालेंगे और लास्ट नेम आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद तो अगर आपका शादी हो गया होगा तो आप यहाँ पे अपना पत्नी या फिर पति के नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस डालना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, अगर दोस्तों आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस इंडिया से बाहर होगा तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना दोस्तों आप यहाँ पे नो रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना फुल एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, विलेज, ये सब आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपको 48 करेक्टर के अंदर ही आपको लिखना होगा। इसके बाद तो आप यहाँ पे अपना विलेज, टाउन या फिर सिटी लिख सकते हैं। इसके बाद तो आपको यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद तो आप यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद तो आप यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद फिर दोस्तों आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद तो आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद तो फिर आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसके बाद तो अब यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप यहाँ फैमिली मेंबर का कोई भी नाम डाल सकते हैं और फुल एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। इसी बॉक्स में दोस्तों उनका नाम डालेंगे और फुल एड्रेस उनका डालेंगे, जैसे कि उनका विलेज, पोस्ट, पीएस और पिन कोड आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद तो उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट आपका होल्ड हुआ होगा तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं है तो आप यहाँ नो पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों अगर आप यस करेंगे तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आपको डालना होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे नो करेंगे तो आप यहाँ पे डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपने कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किए थे और वो इशू नहीं हुआ था। अगर दोस्तों ऐसा हुआ होगा तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे, वरना दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं है तो आप यहाँ नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स सेलेक्ट करना होगा। अदर डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे आपसे क्रिमिनल केस के बारे में पूछा गया है। अगर दोस्तों आपके ऊपर केस हुआ होगा तो आप यहाँ अपने हिसाब से यस पे क्लिक कीजिएगा, वरना दोस्तों आप यहाँ सभी पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा।
सभी पे नो पे टिक कर देने के बाद इसके बाद तो आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। जो भी दोस्तों आप फॉर्म फिल करते समय में डिटेल्स डाले हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बार सही से कन्फर्म कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे लगता है कि सब सही है तो आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, तो आप यहां पर देखेंगे प्रूफ ऑफ बर्थ, आप यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या देना चाहते हैं आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहां पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद तो आप यहां ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद तो यहां पे आपसे पूछा गया है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस, यानी दोस्तों आपके पास एड्रेस प्रूफ में क्या है आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ में होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप अपना प्लेस डाल देंगे। आप यहाँ पे अपना गांव का नाम भी डाल सकते हैं या फिर आप अपना सिटी के नाम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे सबमिट फॉर्म, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सबमिट फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पेमेंट एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना होगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन के माध्यम से देना चाहते हैं तो आप यहाँ पहले वाले पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे चालान के माध्यम से पेमेंट देना चाहते हैं तो आप दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पहले वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद तो आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके बाद तो आपका यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेगा थोड़ा सा। इसके बाद तो आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पासपोर्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे PSK पटना से यहाँ पे पासपोर्ट बनवाता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट यहाँ पे 8/9/2022 को मिल रहा है। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा पासपोर्ट ऑफिस है, तो आप दोस्तों यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आपके नियर में पासपोर्ट ऑफिस होगा वो दोस्तों आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। आप यहाँ पे नीचे आएंगे और दोस्तों यहाँ पे आपको एक लोकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जो भी आप पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं यहाँ पे PSK पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद तो आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। इसके बाद तो आप यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। इसके बाद तो आपका यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स देखने को मिलेगा और पासपोर्ट का कितना पैसा लगने वाला है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 1500 रुपया लगने वाला है। और यहाँ पे आपका नीचे मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप यहाँ इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और जिस भी डेट का आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं जितना भी ग्रीन में होगा ये यहाँ पे अवेलेबल है, आप इस डेट में जाके अपने पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 12 तारीख को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद तो आप यहां ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पे आपको पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट दोस्तों आप यहां पे SBI की नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, अदर बैंक के नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और यहां पे आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहां पे नीचे आएंगे तो आप यहां अपना UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों अगर अपना SBI के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, और अदर बैंक का डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहां पे SBI के डेबिट कार्ड पे क्लिक करता हूं। इसके बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहां पे आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगा, आप यहां पे नीचे आएंगे। इसके बाद तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कन्फर्म, आप यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे इसके बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे फिर से आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डाल दीजिएगा, डेबिट कार्ड के जो भी कार्ड नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। इसके बाद तो आप यहाँ पे अपना एक्सपायरी डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद तो आप यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम डाल दीजिएगा और CVV नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। CVV नंबर आपके डेबिट कार्ड के पीछे यहाँ पे लिखा होता है। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसके बाद तो आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे एक रिसिप्ट मिल जाएगा, तो उस रिसिप्ट को आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद और जो भी आप डेट सेलेक्ट किए होंगे उस डेट में आप अपना पासपोर्ट ऑफिस में जाके वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है इसके बाद दोस्तों आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आपका पासपोर्ट इशू कर दिया जाएगा। और जो भी आपका पासपोर्ट इशू होगा वो 10 से 15 दिन के अंदर बाई पोस्ट आपके घर तक आ जाएगा। सो दोस्तों आप इस तरह से बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके बाद भी दोस्तों आप लोगों के मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो दोस्तों हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।